सज्जनों को हाथ जोड़ के प्रणाम। और भूपेंद्र हुड्डा जी पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, हमारे मध्य पूरे दलबल से आए, आशीर्वाद देने के लिए आए। यहाँ सत्कार, स्वागत, सम्मान और गुरुजियों के घर में पोते का जन्म हुआ, नवीन भाई को पुत्र की प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, हरिओम। जैसे मृग तृष्णा मिटती नहीं है, जैसे मृग की तृष्णा मिटती नहीं है, जीवन खत्म हो जाता है, मानव की तृष्णा भी मरती नहीं है, जीवन खत्म हो जाता है। निबलारे फलाना बहुत गरीब है, गरीब की परिभाषा निबलारे सुन। ईश्वर के पास जो सबसे कीमती अमूल्य चीज थी वो तेरे को पक्ष रखी है। इस आदम दे सोने से कीमती उसके पास भी कुछ नहीं था, जो सबसे कीमती चीज थी वो ईश्वर ने तेरे को बख्शी है। अरे हमने बता दिया, गुरु जी का मुंह बदल गया है, आई बराम सा बनिया है। सारे चंदे कट गए, इतनी ओलका अच्छी होगी एकदम, ना इतना कितना कितना पांच कदा भाषा दौड़ हो रही थी। बहुत अच्छा ऊर्जा बड़ी कार्यक्रम की वेलवेबल हुआ, सभी का धन्यवाद। एक भजन आपके बीच में है, निबले भाई सत्यानाश हो गया, सब कहेगा माँ क्या हो गया। बोले को रहा है कुनिया, ना कोई विद्वान रहा, ना कोई ब्राह्मण रहा, ना कोई साधु रहा। हेलो, बहुत अच्छे महात्मा जी बच्चे प्रवचन आप सुनाएंगे। और भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, दो दिनों में आके बच्चे को आशीर्वाद दिया। और ये आप उतर गया भाई, देखो बड़ी जिम्मेवारी का काम था, तो आप लोगों के सहयोग से वो सफल हुआ। और ये रागनिया अरे अमर तम भाई, उनका प्रसाद लो और सभी का नंबर आओगा, अभी सभी के एक दो दो बार सुनेंगे। इनका भी बड़ा आभार है, एक निमंत्रण पर सारे भाइयों ने आशीर्वाद दिया, आए हैं ये है? और अब एक एक दो जैसी भी जो नंबर समय है वो आएंगे। और वाह जी का पर खुश हुआ, राकेश जी नारायण से गुरुजियों के साथ हुए हैं, 500 रुपए से मान सम्मान हिसाब जारी करते हैं, मेरा बार बार प्रणाम। बोला तो उच्चा पद के सब न मिलता पर प्राणा सब सावन है, कोई सुखी ना इस दुनिया में, प्राणा सब सावन है। निबलाए जीवन है जहरीला फल पर खाना सब सावन है, अर पकाना आओ अरसे ना आओ पकाना सब सावन है। निबलाए जी कर रहे गुरु जी, मैं भी ला गया रहा हूँ पेंटे ना हूँ, मैं भी के करूँ गनी बदल नहीं सोचू क्यों बन दू हूँ मैं गनी के बात से, पर कई पक्का कर लूंगा मैं पक्का नहीं बन दूंगा। और मैं कि ना किसी ने समझ नहीं क्यों गनी बात करी, और फिर आनी आड़ ला गया पास फिर बेंडवा फूट जाए बात ना भूल जाऊ चटन आला बटन फूल जा। एक भजन में लिखा था पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर, एक भजन लिखा था कि जैसे सूरज जैसा तेज नहीं ना चंदा से शीतलता ही, गंगा की तुलनीर नहीं ना लक्ष्मीचंद से कविता ही। उसकी चौथी कली सुना देता हूं, इसकी आखिरी कली थी। बोला सत्संग से ज्ञान मिलेगा कोई रास्ता और नहीं। गुरु जी कहते हैं एक बात सत्संग में, निबला रहा दुख मत मान्या करो, मां जी देश न्यू करे था निबला, जिसको सत्संग का बोध नहीं है केमन के मतलब वो भी करेगा अपनी बुद्धि दो ठाली क्यों कर बैठेगा। निबला जो हर जीव कर्म के बंधन में है वो करेगा, वो टल नहीं सकता। बोले जैसे सत्संग से ज्ञान मिलेगा कोई रास्ता और नहीं, फिर सतगुरु जी की दया देना होती जीवन की बोर नहीं, कदे रणबीर रणबीर होली लोगो या झूठी कोई बोर नहीं, अरे समचाना तो स्वर्ग बराबर, अरे गायत गाम पास और नहीं, विकास कहे को चोर नहीं, जब तक ना चोरी थी राज्य तो नहीं नहीं नालक में दिल से कभी। मैंने छोटे हैं देखा था नहीं, ताली बजा बजा मन का धानी बना, इसका चेला बनूंगा जो तो मैं ताली बजा बजा ढीला लगात कर कर चल रहा है। एक भजन में ला रखा है, बोले मैंने बाढ़ छेन मो गया रहे। एक भजन आपके बीच में है, विद्वान ब्राह्मण
अरे पूरा साधु सती सती के हमारे साथी कलाकार हैं सुमीर भाई बहुत बढ़िया आशोता से 100 रुपए दिए धन्यवाद। बलबीर प्रधान जी ना नापन जी 200 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। वह एक दो बीर बनी थी एक तो वह थी जो बरात चढ़ा के गया था जी ने फेरे दे के गया था अरे एक पसंद मोल दिया यार अपन अबूटे दे दिया यार तो कहते आज तो फिर भी और जरूर था हर बात करा पूरा सूढ़ी भी अच्छी ना माछी ना लुगाई तो दादा मांगेराम के है बोला रे सूढ़ी भी अच्छी फांसी भी अच्छी घर में अच्छी ना लुगाई दो व्यापस में बैठी है फिर अरे महाक वह जो फेरे देख जा राखी नी वह जो मोह जा रही धमका हुए वह कर रहे हैं तेरे गड़ी के नाले में गणी ना शंगरा डोरिया करे के परास्त आगे आए थे पीछा में राखी है बाबू सारी चुप हो जा बोल रहे ना वह क्यों मरोटी पानी खाए थोड़ा खाया करे ये फेरे देख जा रखी है पीछा मारी है बहुत गई तो कोई बाहर लेके जाए गणी रखे खाती ना अंडा तेरे तेरे बाप ना बरात बुलाई थी पीछा मारी है एक दिन वो ना आगे लकड़ी निकली है गणी ना सुबह तक और बोली रोले रान रोले खूब रोले चीज का तो बोला पीछे लग गया अगर कपूर सिंह बुटानिया जी कलाकार जी गायक साहब 100 रुपए देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जी 100 रुपए से मान सम्मान और श्रद्धांजलि करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ऐसे सुनो आज भी उस ब्राह्मण की उतनी वैल्यू है जिसने अपने कर्म को नहीं छोड़ा है खराब माटी उनकी है जो अपनी जगह आते टक्के हैं जो अपने ठिकाने हैं आज उसकी उतनी वैल्यू है कौन है ब्राह्मण है करी तो सुनना संदलाना से सुरेश जी 100 रुपए से मान सम्मान और साझेदारी करते हैं बार बार धन्यवाद। मुसलमान कहता है कुरान कहती है कि हम आदमी हैं क्यों क्योंकि हम आदम से पैदा हुए हैं और ये सनातनी कहता है कि हम मनुष्य हैं क्यों क्योंकि हम मनुष्य से पैदा हुए हैं मनु की मर्यादा से चलते हैं पहली गली में मनु में सारी है ब्राह्मण के
उठा के आ गया भाई, लेकर गया सारा बड़े पास लेकर गया। संजीत भाई सौ रुपये से मान सम्मान किया, महावीर जी महाशय जी नारायणा सौ रुपये से आशीर्वाद किया, बार बार प्रणाम। अरे हमारे सम्मानित भाई रामनिवास जी थानेदार साहब सौ रुपये से आशीर्वाद किया, बार बार प्रणाम। रमेश भाई सौ रुपये से मान सम्मान उठा जाएगी, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सम्मानित श्री जगमोहन जी खानपुर खोरला गांव के रहने वाले, दो सौ रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे लाडले भाई बहुत बढ़िया रहने वाले विजेंद्र बड़वासनी से सौ रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। तो सौ रुपये से मान सम्मान सफाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। निमरा वैशी ने जो मर्यादा करी आप मनो नजारी है, ब्राह्मण के छह कर्म बताए अर्पण रहती प्यारी है, ज्योतिष विद्या कर्म कांड जिसके मंत्र समर्थि सारी है, फिर आप ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का अधिकारी है। नित्य कर्म त्रिकाल की संध्या जो आठ संहिता तोड़े, संहिता और लकड़ी जो यज्ञ में लगती है उसको कहते हैं संहिता। आठ प्रकार की संहिता होती है, और देशी भाषा में बता दी हूँ, मरिया भी याद रह जाएगी। आंख डांख भरना, पिपल जंडी सरना, उर्क और बेल पत्थर, ये आठ संहिता जो यज्ञ में लगती है मासी जी को नाम। हमारे लिए सम्मानित मासी जी बहुत पुराने गाने वाले जय सिंह रोहित जी बादली से सौ रुपये से आशीर्वाद देते, मेरा बार बार प्रणाम। और जयपाल खेड़ीगढ़ से हमारे उस्ताद हमारे साथी सौ रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई किया, बार बार धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद। डगरपुर उत्तर प्रदेश से गौरवमयी पुष्टि की हमारे बीच में लीलू प्रमुख साहब बहुत बड़ा मेला भरवाते हैं और सामाजिक कामों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। बरतालियां हो जाओ उत्तर प्रदेश से यहाँ आए, 2100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। कुश्ती दंगल कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, बार बार धन्यवाद। छोटी बेटी है एंजल पीयूष, सौ रुपये से मान सम्मान किया, परमात्मा लंबी उम्र हो, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। अब दूसरी करीम आ जाओ साधु, साधु कौन है उसकी परिभाषा है ओ नहीं जबरा, बोले जब बाबा बन के बाबा बनता है वो पूरा बाबा बनता है, शब्दों पे ध्यान देना, जो बाबा बन के बाबा बनता है वो पूरा बाबा बनता है। माँ जी इसका क्या मतलब है, निवरा जो पिक्चर तो बाबा बन लिया है फिर वो बाहर रखते पर है वो पूरा बाबा बन गया था, बोले बार बार जब बाबा बन गया है पिक्चर तो ना बनते फिर उड़े पकड़ पड़ रहे गया है, बार बार जब बाबा बन गया पिक्चर तो ना बने उड़े दिक्कत रह गया है, कौन है साधु वो तड़का तड़का निवरा आलोक जगमाई अरवा लखाए निवरिया हे बाबा आए तुम तो हार गया रहा मदर रोची भी ना बोली है और ना माई की बेटी कोई बात ना अगला कर देख लूंगा ना बाबा मारे रिवाज नहीं था तू खाली से जा जा अब बाबा तू दूध नहीं पी ले बाबा ने सोची की बेटी के पड़ी बात हाँ निवरा माई की बेटी दूध भी पीना नहीं आता के बात से बता अब अपा माई भी आई दूध गा देगी और वह मग हाथ आके लेगी उसने दो लाऊ बाड़ पड़िए तो मड़ाई मड़ू हटान लगी बाबा ऊपर के देखेगी बेटी का मार तो गया भाई अगर बाबा बोल जा रहे हाँ जो ना माई की बेटी का हाल दे सुधारन में सा तुम की है सुवाद ये छट्टा छुट्टी करे है हाल दे सुधारन में सब तुम की है सुवाद अब छोरा लखा ऊपर देगी बेटी का बाबा तो मड़ाई नड़ंगा के है साधु बोले सो वातु है तो रहिया निवरे बाबू आदेश निवरा आदेश बच्चा हम आशीष का आदम ने मारे गाम में एक बाबा आ गया मैं निवरा आदेश माना जी निवरा आदेश निवरा बाबा जी आपका की नाम है निवरा बैंगन पूरी निवरा बाबा यहाँ साग का साग और पूरी पूरी दोनों काम करते हैं
निमला आदेश निमला आदेश बच्चा निमला बाबा के खा लिया करे निमला बाबा चूरमा खा लियो हलवा खा लियो तोड़ा काला रसगुल्ला खा लियो उन्हें जुस्ती हिकायत कर निमला बाबा जूत नहीं खा ले निमला कड़ी चीजा परेज है भाई नरम नरम खा ले तू कड़ी नहीं खा सकता कौन है साधु दूसरी गली में हमला खा लेगा जुआ गांव से सारा परिवार संगीत की सेवा जिन्होंने सारे परिवार में की आपने नाम भी सुना होगा मासे जी राम कुमार जुआड़ा मासे जी बाल कृष्ण जुआड़ा उन्हीं के छोटे भाई हैं कृष्ण जुआ से 200 रुपये से आशीर्वाद दिया मेरा बार बार प्रणाम मुझे सम्मानित मेरे बड़े भाई थानेदार साहब राम निवास जी 100 रुपये से आशीर्वाद दिया मेरा बार बार प्रणाम पंडित जगन्नाथ जी हमारे दादा गुरु उनकी प्रणाली के ज्येष्ठ क्यों दादा ने कहा था मेरा सौदा जमा पाओगा तो बोले इस दौरे टटोल क्यों इस दौरे पाओगा सत्यदेव जी संचारा का हमसे आशीर्वाद दिया मेरा बार बार प्रणाम हरियाणा के श्रेष्ठ गाने वाले बाबू राम भैया जी के सुपुत्र सोनू भैया जी 200 रुपये से मान सम्मान दिया छोटे भाई को बार बार धन्यवाद हमारे सम्मानित जगविंदर जी सोनीपत से 200 रुपये से मान सम्मान उठा जाए क्या बार बार धन्यवाद पंडित लक्ष्मीचंद समिति बापोड़ा मुकेश शर्मा जी सालाना पंडित जी के नाम से वहां है उनकी जयंती मनाते हैं 200 रुपये से आशीर्वाद दिया बार बार प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद कृष्ण जी बावड़ से 100 रुपये से मान सम्मान दिया बार बार धन्यवाद परवीन कोशी कड़ी केसरी से 2200 रुपये से मान सम्मान श्रद्धा के बार बार धन्यवाद और जो मान सम्मान के किसी का नाम रहेगा हम माफी चाहूंगा बार बार धन्यवाद धन्यवाद हमारे लाडले छोटे भाई बहुत बढ़िया गाने वाले विजेंदर बड़वासनी से मान सम्मान सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद 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 ये हमारे उस्ताद रोहतासी बहुत बढ़िया हरियाणा के श्रेष्ठ बजाने वालों में से बहुत पैसे मान सम्मान के बार बार धन्यवाद अरे वाह सरस्वती पुत्र सोम सोम सरस्वती का आशीर्वाद आया आप सभी जानते होंगे कलोई से
संजय उस्ताद क्या गाना गाते हैं। 100 रुपए से मान सम्मान उपलब्ध के मेरा बार बार प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद। हमारे लिए सम्मानित सुरेश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। मेरे लाडले भाई गुरु भाई परवीन पार्टी से जुना दादा मांगेराम लक्ष्मी चंद सभी की ग्रंथावलियां जो आप डिजिटल मीडिया में देखते हो यूट्यूब पे गूगल पे ऐप क्या है वो प्ले स्टोर पे जो साथी का डाउनलोड भी कर सकता है। भाई ने इतनी मेहनत करी है संस्कृति के लिए ताड़िया पाक है एक बार जरूर भाई ताड़िया। भगवान आपको और ऊर्जा दे और तरक्की दे बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे लिए सम्मानित मोहन मास्टरी सदैव का आशीर्वाद रहता है 100 रुपए से आशीर्वाद दिया बार बार प्रणाम धन्यवाद। संडवा तोसाम के पास महेंद्र जी संडवा गांव से हैं 100 रुपए से आशीर्वाद दिया बार बार प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद। बोला भाई बिना होते सारा समाज बैठा मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। आज हमारा संविधान कहता है कि व्यक्ति की शादी होगी 21 साल की उम्र हो जाएगी जब कोच साहब को मेरा बार बार प्रणाम। अनिल मान जी कोच साहब मान सम्मान दिया धन्यवाद। सुनियो भाई गौर करियो नौजवान साथी में गौर करियो आज भारत का संविधान न्यू कैसा छोरी का ब्याह होगा 21 साल की उम्र हो जाए जब और छोरे का होगा 24 साल की उम्र हो जाए जब उस तरीके ब्याह करोगे तो ये अपराध है कानून जुर्म है। सियाने मानस गौर करियो भाई वासना जागृत हो जाती है 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में वासना जागृत हो जाती है उसका ब्याह होगा 24 साल के का ये कानून कह है। फिर मैं 14 साल पास वो वासना चाहते जो उसने कह देंगे भाई फिर हम सारी रहना चाहिए क्या बहुत बढ़िया बात हो गए क्या ये दो शब्द उसको रोक पाएंगे इतना कहना बहुत है। या तो आपकी शिक्षा ऐसी हो आप उस उम्र में ऐसा योग सिखाते हो कि ब्रह्मचारी रहने में क्या आनंद है वो टेस्ट आप बच्चों को चखा सको तो वो ब्रह्मचारी रह जाएगा। इन शिक्षा तो ऑनलाइन है सब जम्मू हड़बेड़ा हाथ में है बड़का गए अपना ब्याह होगा 24 के का वासना जाकी 14 के की वो 10 साल अपनी पूर्ति के लिए शर्मा रहेगा और फिर वो ब्याह कराओगा सती सती रहने की संभावनाएं घट जाएंगी बात छोड़ दो। या तो आपकी शिक्षा ऐसी हो कि ब्रह्मचर्य क्या होता है उसको किसी योग के द्वारा आप ऐसे आचार्य नियुक्त करो कि अपने अपनी आने वाली नस्ल को ब्रह्मचारी का आनंद चखा सको तो ब्रह्मचारी रह पाएगा और ना तो ब्याह की उम्र जी करे जब समाज से शर्म खत्म करो थोड़ा थोड़ी देर के नहीं बताओ मेरा मन है उनका पहला मिलन हो अपने जीवन साथी से अपराध घट जाएंगे खत्म हो जाएगी बात और सती सती रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी दो चेहरे नहीं चलेंगे। कैसा होता है सती सती तारासन में कैसे है बोले सती मर्द और सती वीर का तो यो ढंग ऋषि बताओ और सती मर्द और सती वीर ना कदे गैर तो नजर में लाओ जाए अपने माकूम से सती सती किसा तो पूछो नहीं के जरूरत से खुद का खुद से सवाल है। ये गिरिपुरी भारती नंदनाथ पंत सब घूम घूम देखे आए ब्रह्मचारियां चलिया गया दौड़ा पोथर दौड़ा एक कुर्तर मेरा अपनी उत्सुकता कि कोई ब्रह्मचारी मिल जाए तो मैं साथ साथ उसको दंडवत प्रणाम कर दूं इन नजरों से मैं कोई ब्रह्मचारी देखूं। अरे एक योगाचार्य जी ले गए थे मैंने 5-4 दिन ब्रह्मचारी हम रहा मैं उत्सुकता तो मैं देखूं ब्रह्मचारी को पा जा और जो आवा मैं उसको प्रणाम करूं मैं ब्रह्मचारी जी प्रणाम हाँ मेरा भाई प्रणाम मगा जी क्या आप ब्रह्मचारी हो तुम्हारा क्या बात दिख नहीं रहा कपड़े नहीं दिख रहे माँ जी कपड़े तो दिख रहे हैं मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरा सवाल है मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूँ आपकी आत्मा से मेरा सवाल है क्या आप ब्रह्मचारी हो कोई गाल देन ना क्या कोई लड़न ना क्या कोई धमकान ना क्या आना ना करी की सन ना नाट्य ना मरी और आखिर मुझे मन ले जा रहा है इन्हें बार कर बहन से कौन जाए इन्हें उल्टी सीधी बात कर रहे आगे एक सवाल का जवाब नहीं ले पाए मनो आश्रम तक बात नहीं कर रहे कौन है जति सती तीसरी कली में
कर मन लो लगी थकावे, एका कर मन लो लगी थकावे, ठीक समाधि प्रकृति का जिन तत्व जरूरी धूप हो जाए, सागर छुसती सपन सती में सती पुरंदन धूप हो जाए, सम्मानित आदरणीय मासा जी सत्य फरमाना, जैसे मशीन गाती है ऐसे मासी जी गाते हैं, स्वरूप से आशीर्वाद दिया मेरा बार बार प्रणाम। बेंगलोर में रहते हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, हमारे सत्संग परिवार से हैं, हमारे शिष्य हैं सोनू भाई, ऑनलाइन 500 रुपए का इनाम, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। Okay.